इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? बिल्कुल कर पाएंगे। और अभी आप क्या कर रहे हैं सर? ये ब्लैक पेशेंट आईसी थी जी, दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया है, वो पूरा क्लीन कर लिया। जूम करके दिखाना चाहूंगा, उसमें सर एक भी प्रिंट मिसमैच नहीं है आज की तारीख में। तो कैसा फील हो रहा है आपको? दो दिन पहले मैंने जब करा था तो मेरे हाथ से दो मोबाइलों के अंदर बॉल मिस हो गए, प्रिंट मिस प्रिंट। आज पूरी तरह क्लीन है, आज पूरी तरह हाथ साफ हो गया। काम करना होता है। तो कैसा रहा अभी तक आपका सफर? सर जो अभी तक मैं 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। जी जी, 10 साल से काम कर रहे हैं आप जी। एक्सपीरियंस एक तरफ है और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस एक तरफ है। चलिए, दिल से बोल रहे हैं कि आपको ऐसा बोला जा रहा है कुछ? बिल्कुल। चलिए चलिए, अभी पहले से मुझे पहले थोड़ा डर था करने के लिए, ऐसा नहीं होएगा ऐसा करके मैं सोच रहा था। हाँ अभी, लेकिन थोड़ा अभी आप यहाँ पे कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकल मिल रहा है आपको? प्रैक्टिकल। यूफाई की अगर हम बात करें तो यूफाई आपको बहुत प्रैक्टिकल बताया। जो क्लासेस में क्या क्या सीखा अभी तक? ब्लैक पेस्टेड को किस तरह से निकाल जाता है, कितने टेम्परेचर है उसको, मतलब ब्लैक पेस्टेड आईसी को। आप वो खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं? जी प्रैक्टिकल, पूरा खुद प्रैक्टिकल है। यू आप आसाम से आए हुए, आप आसाम से इतनी दूर आया, ऐसे टेलीकॉम आपने क्यों चुना? बस थोड़ा सा सवाल आपसे। टेलीकॉम का जो क्लास करने का तरीका है ना जी, बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ अच्छा, आपने क्या देख के आया यहाँ पे कि हमने क्या देखा और क्या सोचा कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करते हैं? हमारा असम में जो 2-3 लड़का यहाँ से क्लास करके अच्छा काम कर रहा है, अच्छा उसको देख के आया है, उसका रिव्यू भी अच्छा लगा। तो आपने जो देखा था वो एक्चुअल मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे MMC के स्टूडेंट हैं और मैं इनसे, ये सारे हमारे MMC के स्टूडेंट हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे MMC के बैच के स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, दिसंबर बैच के। तो चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? मेरा नाम परमल है सर जी, कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु सर। तमिलनाडु से आप आए हैं, आपने MMC कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, फिलहाल इन 4 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा है सर। अभी पहले से मुझे पहले थोड़ा डर था करने के लिए, ऐसा नहीं होएगा ऐसा करके मैं सोच रहा था। कर रहे हैं पे? अभी लेकिन थोड़ा अभी आप यहाँ पे कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकल मिल रहा है आपको? हाँ, प्रैक्टिकल मिल रहा। यूफाई की अगर हम बात करें तो यूफाई आपको बहुत प्रैक्टिकल बताया जा रहा है यहाँ पे? हाँ सर बताइए। चलिए क्या कहना चाहेंगे, अभी आपने ज्वाइन करके इसे टेलीकॉम अच्छा किया या नहीं किया? अच्छा। चलिए अभी आप क्या काम कर रहे हैं, मैं आपको उस काम को दिखा दूं। रिबॉलिंग कर रहा हूं सर अभी। अभी आप रिबॉलिंग कर रहे हैं, रिबॉलिंग में ब्लैक पेस्टेड की अगर हम बात करें तो ब्लैक पेस्टेड में अब आपकी प्रिंट उखड़ रही है क्या? नहीं सर, स्टार्टिंग में जब आप आए थे, बट अब हो रहा है क्या? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं अपने सेकंड स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, तो अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मैं राहुल, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हैं आप। तो अभी आपने 4 दिन में क्या क्या किया? यूफाई में 90% कंज्यूम जो है कि सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आज आपने ही देखा, तो 90% कंज्यूम अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। और आप रिवॉल्विंग का क्या चल रहा है, ब्लैक पेस्टेड का क्या चल रहा है आपका? बॉल क्या मिसप्रिंट हो रही है? नहीं हो रही है। आप कर पा रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम ब्लैक पेस्टेड को निकाल रहे हैं। अभी आप ब्लैक पेस्टेड को निकाल रहे हैं, तो चलिए थोड़ा करके दिखाइए आप, बेस्ट प्रैक्टिकल आप दिखाइए। हर एक काम में पेशेंस रखना है, क्या रखना है? बिना पेशेंस के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हिट का नॉलेज, एयर का नॉलेज प्रॉपर दिया गया है जी। प्रैक्टिकल करके दिखाया गया कि बस बता के किया गया यहाँ पे? प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। चलिए, तो अभी आपको दिक्कत आ रही है कहीं पे भी ब्लैक पेस्टेड में? नहीं, क्योंकि आपसे डेली ब्लैक पेस्टेड का काम कराया जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल एक दिन SMD पकड़ाया गया हो, डेली काम कराया जा रहा है आपसे जी। चलिए थैंक यू, आप अपना काम करिए। चलिए आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? जी मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ। आप बिहार से आप आए हुए हैं, तो आपकी ये जो क्लासेस हो गई है, आपने उन क्लासेस में क्या क्या सीखा अभी तक? ब्लैक पेस्टेड को किस तरह से निकाल जाता है, कितने टेम्परेचर है उसको, मतलब ब्लैक पेस्टेड आईसी को। आप वो खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं? जी प्रैक्टिकल, पूरा खुद प्रैक्टिकल है। यूएफआई की प्रोग्रामिंग हो, यूएफआई का इंटरफेस हो, अगर हम 90% कंज्यूम भी आपने अभी तक पढ़ लिया है, आगे भी क्लास है, अभी आपको आगे भी ओप्पो रियलमी के भी सारे क्लास मिलेंगे, जो प्रोग्रामिंग है, जो अनलॉकिंग है, सेफ अनलॉकिंग है, विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग है, वो सारा आपको अभी मिलने वाला है। पर हमारे स्टेप बाय स्टेप, एक ही दिन में क्या इंटरफेस पढ़ा दिया गया क्या? सारे यूएफआई इंटरफेस एक ही दिन में पढ़ा दिया गया क्या? अगर एक दिन में पढ़ा दिया जाएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके, हाफ टाइम आपको यूएफआई पढ़ाया जा रहा है और हाफ टाइम पूरा प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। क्योंकि अगर आप केवल थ्योरी नॉलेज करेंगे तो अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड का आपने निकाला है, तो मैं यहाँ पे जूम करके थोड़ा दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स की, यहाँ पे कोई भी बॉल
क्या मिस प्रिंट हुई है क्या? तो कोई भी बॉल मिस हुई है क्या? नहीं हुई है। नहीं हुई है। अब कहीं पे दिक्कत आ रही है रिबॉलिंग में? नहीं कहीं पे नहीं। या निकालने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कैसा रहा आपका अभी तक का सफर? बहुत बढ़िया है। जो आपने सोचा था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरा पूरा मिल रहा है। चलिए थैंक यू। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? मेरा नाम रिद्धि बड़ुआ है, मैं असम से हूँ। आप असम से आए हुए? आप असम से इतनी दूर आया, ऐसे टेलीकॉम आपने क्यों चुना? बस थोड़ा सा सवाल आपसे। टेलीकॉम का जो क्लास करने का तरीका है ना जी, बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ अच्छा, आपने क्या देख के आया यहाँ पे कि हमने क्या देखा और क्या सोचा कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करते हैं? हमारा असम में जो दो तीन लड़का यहाँ से क्लास करके अच्छा काम कर रहा है, अच्छा उसको देख के आया है, उसका रिव्यू भी अच्छा लगा। तो आपने जो देखा था वो एक्चुअल मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है आप एमएमसी के लिए? मैं जितने भी स्टूडेंट से मिलवा रहा हूँ सारे एमएमसी के बैच के स्टूडेंट हैं हमारे। तो अभी आप क्या 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 काम किया अभी चार दिनों में? अभी वो ऐसे निकाला है और एमएमसी के अगर फॉल्ट फाइंडिंग की हम बात करें, अगर आपको ये कहा जाए कि एमएमसी से फॉल्ट है कि नहीं है, ये आप फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें जाननी होती है, क्या क्या चीज़, बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बूट पार्टीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है? पता है। कि सीपीयू के लिए क्या होता है? तो चलिए ठीक है, आपने जो सोचा था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी आप क्या काम कर रहे हैं? एमएमसी को रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्विंग में कहीं दिक्कत आ रही है आपको? नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है डेली कि नहीं मिल रहा? जब से आप पहले डे से आए हुए हैं तो आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अभी आप यहाँ से ऐसे टेलीकॉम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट। चलिए अभी तो आपकी क्लास बची हुई है, ये तो आपका केवल चार दिन का आउटपुट है, बाकी तो आगे अभी नेक्स्ट 5 डे की क्लास और भी बची हुई है। चलिए थैंक यू। तो ये हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मैं राहुल, नेपाल से। आप नेपाल से आए हुए हैं? आप नेपाल से आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, आपने क्या सोच के आया था और क्या देख के आया था? सर मेन मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, मैं प्रैक्टिकल के लिए आया हूँ। जितना नॉलेज चाहिए पूरा नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए। आपने मतलब स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट का आपने रिव्यू देखा होगा, आज ये खुद रिव्यू दे रहे हैं आज जी सर। तो क्या वो रिव्यू था और जो आप आज रिव्यू दे रहे हैं, तो ये दोनों में फेक है क्या? नहीं नहीं, कोई फेक नहीं, बल्कि उससे बहुत बेटर है। आप क्लास में मेहनत, कहने का मतलब आप उनसे ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे और ज्यादा आप काम कर पाएंगे। तो आपकी चार दिन जो भी अभी क्लास हुई है, आपने क्या क्या सीखा अभी? मैंने ब्लैक पेस्टेड निकालना सीखा, सीपीयू रिबॉलिंग मतलब कर रहा हूँ, एमएमसी रिबॉलिंग हो रहा है, मतलब आईसी कोई दिक्कत आ रही है? कोई अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जो यहाँ के टीचर हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट है, वो तो होमवर्क भी देते हैं कि मतलब घर पे भी ट्राई करो, रूम में अगर कोई प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सिखा दिया फिर आप घूमने जाओ? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप उसको जो आपको पढ़ाया गया वो शाम को आप रिवाइज करिए, रिविजन करिए। प्रॉब्लम आ रही तो क्लास में पूछिए, हमसे दोबारा पूछे, तिबारा पूछे। तो उसमें कोई डांटते तो नहीं है कि आपने दो बार पूछा, तीन बार पूछा? वो तो बोलते और पूछो, जितने बार समझ नहीं आया पूछो। मतलब जितनी बार आप, जब तक आप सर्टिफाइड नहीं हुए तब तक आगे आपकी क्लास नहीं बढ़ेगी। तो कैसा रहा अभी तक का सफर आपका? अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुशी हूँ मैं यहाँ आके। अच्छा जी, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपका काम दिखाना चाहूंगा। रिबॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अभी आप सीपीयू रिबॉलिंग कर रहे हैं? जी सर। तो अभी रिबॉल हो रही है आपसे कि नहीं हो रही है? थोड़ा बहुत, एक दो पिन कभी मिस हो जा रही है, इसलिए प्रैक्टिस। पहले आप आ रहे थे तो काफी मिस हो रहा था, पर अभी केवल एक दो हो रही है। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो वो भी आगे चल के नहीं होगी आपको। चलिए थैंक यू आपके लिए। तो चलिए हमारे पास एक स्टूडेंट और है, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया, उज्जैन से हूँ। उज्जैन से आप हैं? हाँ जी सर। तो चलिए, आपने जाहिर सी बात है रिव्यू देख के आया होगा, वीडियो देख के आया हुआ है, तो जो आपने उस वीडियो को देखा था और जो आप रिव्यू दे रहे हैं, तो दोनों में क्या सच्चाई है? सर जो वीडियो देखा था, वीडियो में वो जो रिव्यू में जो अभी इस टाइम हम लाइव जो कर रहे हैं काम, जी वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी उसमें सच्चाई, पूरी तरह सच्चाई है, पूरी तरह सच्चाई है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने को ना दिया जा रहा है? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं केवल यूएफआई का इंटरफेस बता दिया हो और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई वो चीज़ ना मिल रही हो? नहीं नहीं, वो सारा चीज़ विद प्रैक्टिकल मिल रहा है। बिल्कुल। आज आपकी किस चीज़ की क्लास हुई? यूएफआई की 90% कंज्यूम, क्योंकि जो मार्केट में सबसे ज्यादा काम आता है वो 90% कंज्यूम का ही है, वो आइडेंटिफाई उसको पहचानना कि हम उसे कितनी बार उसको 90% कंज्यूम को बना सकते हैं, कितनी बार हम नहीं बना सकते, वो सारा चीज आपको पता हुआ है, एक सेफ तरीके से काम कर सकते हैं। क्या 90% हेल्थ को आप बनाने के बाद क्या फोन आप वापस से चालू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर ये ब्लैक पेस्टेड आईसी थी जी, दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया है, वो पूरा क्लीन कर लिया है। जूम करके दिखाना चाहूंगा, उसमें सर एक भी प्रिंट मिसमैच नहीं है आज की तारीख में। तो कैसा फील हो रहा है आपको? दो दिन पहले मैंने जब करा था तो मेरे हाथ से दो मोबाइलों के अंदर
बॉल मिस हो गए, प्रिंट मिस प्रिंट, आज पूरी तरह क्लीन है, आज पूरी तरह हाथ साफ हो गया, साफ हो गया। अभी तो आपकी क्लास बची हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी आपकी आगे भी क्लास है 5, और यहाँ पे जाने के बाद भी क्लास खत्म नहीं होगी। आपको कभी भी नेक्स्ट टाइम, एक सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके पास कि कभी भी आपको अपडेट होना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद जाहिर सी बात है आपको अपडेट होना होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सर बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जो आपको सोचा हमने कभी निकाला नहीं था, वो आज फर्स्ट टाइम हमने निकाल के पूरा कंप्लीट उसको सक्सेस कर। अब तो डर नहीं लग रही ना, मेक प्रैक्टिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जितना प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पूरा टाइम प्रैक्टिस ही कराया जा रहा है आपको SMD, ऐसा तो नहीं केवल एक IC करा दिया फिर बोल दिया जाए, मना कर दिया जाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। आप जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है फ्रेंड्स, तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज सिरधानी है जी, मैं कटनी MP से हूँ जी। तो आपने भी जाहिर सी बात है आपने भी रिव्यू देख करके यहाँ पे आया होगा, तो चलिए अभी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका जो सफर रहा अभी तक कैसे टेलीकॉम में कैसा रहा? एक्सपीरियंस ऐसा रहा सर कि मैं थोड़ा बहुत UFI में प्रोग्रामिंग करता था, करते थे आप? हाँ, बट मैं यहाँ पे भी यही सोच के आया था कि ब्लैक पे स्टेट पे मैंने कभी काम किया नहीं है जी, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत हार्डवेयर में मुझे अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा करना है जी जी। बट यहाँ मुझे समझ में आया कि मैं UFI के बारे में शायद 10% भी नहीं जानता था, मतलब बस इंटरफेस हमने यूट्यूब से देखा था, हाँ, जो बताया जा रहा था आप उसको फॉलो कर रहे थे, अब क्यों कर रहे थे उसका रीजन नहीं पता था, क्योंकि अभी आपकी पूरी क्लास खत्म नहीं हुई है, आपकी भी क्लास बची हुई है। तो अब आपने बताया कि जो 10% भी हम काम नहीं कर पा रहे थे, अब जितना आपने काम सीखा है उतने में काम आप कर पाएंगे? मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है 90% कंज्यूम, क्योंकि अभी तक आपके मन में डाउट था कि ओप्पो वीवो ऐसा होता होगा, माइक्रोमैक्स लावा ऐसा होता होगा, पर आपको यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे कोई ब्रांड वाइज नहीं होता है, यहाँ पे CPU वाइज होता है कि जो CPU होगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो कैसा रहा अभी तक आपका सफर? सर जो अभी तक मैं 10-15 साल का एक्सपीरियंस है जी जी, 10 साल से काम कर रहे हैं आप जी, एक्सपीरियंस एक तरफ है और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस एक तरफ है। चलिए दिल से बोल रहे हैं कि आपको ऐसा बोला जा रहा है कुछ? बिल्कुल। चलिए चलिए थैंक यू आपके लिए। अभी फिलहाल आप काम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिए? EMMC को रिवॉल्व कर रहा हूँ। EMMC रिवॉल्व कर रहे हैं? हाँ, हाँ, आप पहले भी काम करते थे, आपसे पहले रिवॉल्व अच्छे से नहीं होती थी, अभी आपका कैसा हो रहा है रिवॉल्विंग का? सर पहले से तो बहुत बेहतर है, एक बार में नहीं हो रहा है लेकिन 2 बार में हो जा रहा है, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आपके पास 5 से 6 दिन है, अभी केवल 4 दिन ही हुए, अभी आपके पास 5 से 6 दिन है, जो कि हमें यही करना है, रिवॉल्विंग करना है, ब्लैक पेस्टेड को निकालना है, लगाना है। तो थैंक यू।